हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रजनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और अच्छी बन के तैयार होने वाली बेसन बर्फ़ी, जिसे जब कभी भी हमारा मन करे हम झटपट बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है ये और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं बाजार जैसी बेसन की बर्फ़ी। बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे गैस पे हमने एक बर्तन ले लिया है और एक कप चीनी ली है, उसमें डाल देंगे आधा कप पानी और चीनी घुलने तक इसे हिलाते हुए पकाएंगे। चीनी हमारी घुल गई है, अब मैं इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डालूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बर्फ़ी के अंदर। और थोड़ा सा येल्लो कलर डालूँगी, केसरी कलर, जिससे हमारी बर्फ़ी बिल्कुल बाज़ार की जैसी बन के तैयार होगी। यहाँ पे हमें इसे एक तार की चाशनी बनानी है, तो 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पे और पकाऊंगी मैं इसे। चाशनी को चेक कर लेते हैं अब हम, थोड़ा सा इस तरीके से लेके उंगलियों के बीच में इस तरीके से, ये देखिए आप देख सकते हैं तार बनने लगा है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे, चाशनी हमारी बन के तैयार है। यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है और उसके ऊपर बटर पेपर लगाया है। अब मैं इस पर थोड़ा सा घी डाल के इसको ग्रीस कर दूँगी। बटर पेपर से हमारी जो बर्फ़ी है बहुत आसानी से निकल जाएगी, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। आप चाहें तो कोई केक मोल्ड भी ले सकते हैं या फिर बर्फ़ी जमाने वाला ट्रे ले सकते हैं। यहाँ पे गैस ऑन करके हमने एक पैन ले लिया है, नॉनस्टिक का पैन लिया है हमने, जिसमें हमारी जो मिठाई है वो चिपकेगी नहीं। और एक कप घी लिया है, इसे डाल देंगे, घी गर्म होने देंगे। घी और बेसन का रेशो यहाँ पे ऐसा रखना है कि अगर हमने 2 कप बेसन लिया है तो हमें 1 कप घी लेना है। साथ ही अब हम डाल देंगे इसमें 2 कप बेसन। मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है तो 1 कप घी का यूज़ किया है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर स्लो रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे हमें बेसन को नहीं भूनना है, नहीं तो बेसन हमारा जल जाएगा और जो बर्फ़ी है उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इस तरीके से मिक्स करते हुए हमें इसे लगातार चलाना है। शुरू शुरू में हमारा बेसन बहुत ज़्यादा थिक लगेगा हमें, लेकिन जैसे जैसे ये पकने लगेगा वैसे ही ये जो घी है उसे छोड़ने लगेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, तभी हमारी बर्फ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एकदम बाज़ार जैसी बर्फ़ी हमारी बनके तैयार होगी। ये बर्फ़ी बनाना बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। जब कभी भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इसे बना के खा सकते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमें बेसन को भूनते हुए। हमें बेसन को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू ना आने लगे। 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इसको फ्रेंड्स हमें भूनने में, और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमें इसे भून के तैयार करना है। हमारा बेसन थोड़ा थोड़ा भुनने लगा है, आप देख सकते हैं ये घी छोड़ने लगा है और हल्का होने लगा है। अभी हमें इसे थोड़ी देर और भूनना है। ये बर्फ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसे वनस्पति घी में भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया है, लेकिन मिठाई वगैरह देसी घी में ही टेस्ट आता है उनका। बेसन को भूनते हुए हमें 17-18 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं बेसन बिल्कुल झाग वाला हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। मैं इसको इतना ही पकाऊंगी, आप चाहें तो इसको थोड़ा डार्क कलर कर सकते हैं जैसी आपको मिठाई पसंद हो। अब स्टेज पे मैं इसमें दूंगी थोड़ा सा पानी का छींटा, 1 से 2 बार इसमें पानी का छींटा दूंगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें झाग बनने लगे हैं फ्रेंड्स। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे जो हमारे बेसन में दाने आ जाएंगे और जो हमारी बर्फ़ी बन के तैयार होगी वो बिल्कुल दानेदार बन के तैयार होगी। अगर आपके पास मोटा बेसन नहीं है तो आप इस तरीके से पतला बेसन ही ले लें जैसे मैंने यूज़ किया है, और इस तरीके से आप अगर उसमें पानी का छींटा देंगे तो बेसन हमारा दानेदार हो जाएगा और हमारी जो बर्फ़ी है बहुत ही अच्छी
बनके तैयार होगी। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट तक और पका लूँगी ताकि जो पानी डाला है उसका कच्चापन दूर हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं गैस का जो फ्लेम है उसे ऑफ़ कर दूँगी और इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही चलाती रहूँगी, क्योंकि हमारा जो पैन है बहुत ज़्यादा गर्म है और अगर ऐसे ही बेसन को छोड़ देंगे तो बेसन हमारा नीचे से जल सकता है, इसलिए इसे चलाते हुए हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अब हमारा मिक्सचर हल्का ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें गुनगुनी चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूँगी। गैस का फ्लेम भी मैंने ऑन कर लिया है, आप देख सकते हैं, और इसको लगातार चलाते हुए पकाऊंगी जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती। लगातार हमें इसे चलाते रहना है फ्रेंड्स। गैस का फ्लेम मैंने स्लो टू मीडियम ही करके रखा हुआ है। ये देखिए पैन हमारा बिल्कुल क्लियर होने लगा है, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में हमारी बर्फ़ी आ गई है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हम इसे अपने प्लेट पे निकाल लेंगे जिसमें हमें इसे जमाना है। बहुत जल्दी ये प्रोसेस करना है दोस्तों हमें, और इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे, इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। ये देखिए हमने मिठाई को स्मूथ कर लिया है, बर्फ़ी को, और अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर देंगे। ये मैंने पिस्ते और बादाम की कतरन ले ली थी, इनको सभी को डाल देंगे जिससे ये देखने में भी बहुत टेस्टी लगेगी, खाने में तो ये टेस्टी बनती ही है। इस तरीके से और स्पैचुला से हम थोड़ा सा इसे दबा देंगे ताकि कट करते वक्त ये निकले ना। अब हमें इसे 15 से 20 मिनट तक बाहर ही सेट होने के लिए रख देना है। बहुत जल्दी सेट हो जाती है फ्रेंड्स ये, उसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे, क्योंकि अगर ये पूरी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी तो कट लगाने में मुश्किल होगी। बर्फ़ी हमारी थोड़ी सेट हो गई है, अब हम इसमें कट के निशान लगा लेते हैं, नहीं तो जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगी तो हमारे जो पीसीज हैं वो टूट सकते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको बड़े छोटे साइज़ रखने हैं और जिस भी शेप में आपको इसको कट करना है आप कर सकते हैं। बड़े ध्यान से आपको ये निशान लगाने हैं। ये हमने निशान लगा लिए हैं, अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी और उसके बाद आपको इसको दिखाती हूँ। 2-3 घंटे हो चुके हैं, हमारी बर्फ़ी बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसे एक बार, इस तरीके से कॉर्नर को लूज़ करते हुए। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है और कितना अच्छा इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसे। ये देखिए हमने अपनी बेसन की बर्फ़ी को सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी बेसन की बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे पीसेज हमारे निकले हैं और बटर पेपर होने की वजह से बहुत ही अच्छे हमारी बर्फ़ी आसानी से निकल गई है। फ्रेंड्स आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक के नीचे क्लिक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।